हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सुरेखा सक्सेना। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम फूल बनाना सीखने वाले हैं जो कि बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए, मैं जो आपको फूल बनाना सिखाऊंगी वो इस पेंसिल से हम बनाना सीखेंगे जो कि कुछ मिनटों में बन जाता है और बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी कलर में इसमें बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑरेंज कलर का ये ऊन ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नॉट लगानी है। सबसे पहले पेंसिल में इस तरह से टाइट करके लगाएंगे। एक बार दो नॉट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से बिल्कुल टाइट कर। अब इसको कट कर देंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमको हमें इस तरह से फंदे बनाने हैं। इस तरह से कर 20 बार करेंगे, हम काउंट करेंगे। देखिए, ये 3 हो गए हमारे, जो नोट लगाई थी वो भी काउंट हो गई है, 4 हो गए, 5, 6, 7 आठ सॉरी आठ 10। देखिए, 10 हो गए हमारे। अभी हमें 10 और बनाने हैं, 20 बनाने हैं हमने ये। ग्यारह 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, देखिए 20 हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, मैंने इस तरह से जो हमारे पास धागा बचा था उसमें मैंने सुई डाल ली है। अब हमें इसमें नॉट लगानी है इस तरह से। देखिए, देखिए इस तरह से हमें नॉट लगाते हुए जाना है। हर फंदे में से इस तरह से हमें निकालनी है सुई और इस तरह से नॉट लगाएंगे हम। ये हमारे जितने फंदे हैं हम इसमें इस तरह से हर रो में बना लेंगे, सॉरी पूरी रो में हमें इस तरह से फंदे निकालने हैं। ये देखिए, ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और आप कहीं भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत आसानी से बन जाएगा। इस तरह से, ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, नोट लगा लिए हैं। अब हमें फिर से भी करना है एक बार और, वैसे देखिए इस तरह से। तो एक बार और यहाँ पर नोट लगाएंगे हम। देखिए, फिर से वही करेंगे। देखिए यहाँ पर इसे नोट लगानी है हमें, जैसे हमने पहले वाली रो में लगाई थी। हर फंदे में फिर से फंदा निकालते हुए जाना है हमें। देखिए इस तरह से,
देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। तो देखिए हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और उसमें नॉट लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमें इसको इस तरह से निकालना है, देखिए, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फोल्ड करना है, उसको हम सी लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब हमें इस तरह से इसको सिलना है। देखिए अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो देखिए हमारा फूल सिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बार और नॉट लगाएंगे इसमें इस तरह से। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से अब हम इसमें मोती लगाएंगे। अब कोई भी कलर का इसमें मोती लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट लगा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। और अब इसमें भी एक बार नोट लगाएंगे हम। इस तरह से बन जाएगा ये बहुत आसानी से और बहुत प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। अब हम यहाँ पर इसमें इसको नोट लगा देंगे। देखिए तो हमारा फूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे इसको। और देखिए देखिए इस तरह से बना है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको क्रोशिया नहीं चलाना आता है तो आप इस तरह से पेंसिल की हेल्प से भी फूल बना सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, कार्डबोर्ड की हेल्प से भी आप फूल बना सकते हैं। बहुत इजी है ये बनाने में और खूबसूरत भी लग रहा है। देखिए तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।